वकील साहब, आज परिवार न्यायालय के सामने जो पवन सिंह अंदर हैं, उनकी पेशी है, वो अपना पक्ष रख रहे हैं जज के सामने, क्या ज्योति सिंह भी आई हैं क्या? हाँ, वो भी आई हैं। और चूंकि ज्योति सिंह के तरफ से जो है यहाँ वाद दाखिल किया गया है, और सिने स्टार भोजपुरी पवन सिंह के खिलाफ उनकी पत्नी हैं, और वह आज जो है उनको नोटिस जारी हुआ था, आज डेट को जो है उपस्थित होने के लिए न्यायालय में आए हैं, उसकी वजह से काफ़ी भीड़ भी है। और तो दोनों लोग अलग अलग अपना पक्ष रख रहे हैं ना? दोनों लोग अपना अपना पक्ष रखेंगे, लेकिन कानूनी व्यवस्था हिंदुस्तान की जो 125 के जो मामले हों या लड़कियों के मामले में जो भी कानून बनते हैं, वह लड़कियों के पक्ष में ही सामाजिक दृष्टिकोण से बनाया जाता है, और हमेशा लड़कियों के पक्ष में ही आदेश भी हुआ करता है। पत्नी है तो आपको मेंटेनेंस देना है, यह न्यायालय का व्यू है, और पवन सिंह को देना ही पड़ेगा, पत्नी है तो वह मुकर नहीं सकते। और ख़ास तौर से भीड़ भी है, और न्यायालय की एक व्यवस्था है कि न्यायालय में जो है असलहे लेकर कोई व्यक्ति प्रवेश न करे, फिर भी इनके बॉडीगार्ड लोग प्रवेश किए हैं। मैं क्रिमिनल बार का महासचिव हरदयाल सिंह यादव उर्फ कमलेश। क्या बॉडीगार्ड के पास असलहे आपने देखा है? निजी भी व्यवस्था लेकर देखा है आपने उनके पास? ना, लोगों के द्वारा बताया जा रहा है, ये गलत है। नहीं, देखे हैं उनके साथ? ना, मैंने नहीं देखा है, चूँकि मैं बाहर हूँ। देखे क्या, कहाँ असला था? कम से कम 20 लोग अंदर गए हैं बॉडीगार्ड के रूप में। हाँ, असलहा असलहा सब ले गए, पुलिस भी ले गई। आप असलहा देखे हैं? हाँ, ले गए हैं लोग। देखे हैं कि नहीं? हाँ, आप देखे आग से? हाँ, ठीक है, खैर कोई बात नहीं। अभी वकील साहब ने बताया कि ज्योति सिंह का पक्ष पहले आया था, उसके बाद एक तारीख मुकम्मल हुई थी, उस तारीख को लेकर आज पवन सिंह यहाँ मौजूद हैं। पवन सिंह का पक्ष क्या है और ज्योति सिंह का पक्ष क्या है, ये तो जज के सामने है, बाहर निकलेगा, पब्लिक के बीच में मीडिया के माध्यम से पब्लिक तक आएगा, लेकिन अभी जो अंदर मामला चल रहा है पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच चल रहा है। जैसा कि ये जानकारी है कि पवन सिंह और ज्योति सिंह के रिश्ते खटक गए हैं, जिसको लेकर अब घर का मामला न्यायालय में आ गया है। फैसला क्या आएगा ये तो वक्त की बात है, लेकिन अभी जो आप देख रहे हैं पवन सिंह और ज्योति सिंह दोनों परिवार न्यायालय बलिया में है। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक इतना ही, जुड़े रहे बलिया आजकल से। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।